प्रिय दर्शकों, ममता किचन रेसिपी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम करौंदे का चटपटा अचार बनाना बताएंगे जो कि सालों साल खराब नहीं होंगे। तो इस तरीके करौंदे का पेड़ होता है और इस तरीके फरा हुआ है, देखिए कितना बढ़िया ढेर सारा फरा हुआ है करौंदा। और यह करौंदा हर जगह पाया जाता है और इसका आप अचार बना के सालों साल स्टोर भी रख सकते हैं, ये खराब नहीं होता है, बहुत ही टेस्टी बनता है। तो आज इसका हम अचार बनाएंगे। जितना हमें ज़रूरत है उतना हम करौंदा तोड़ लेते हैं। तो जितना हमें ज़रूरत था उतना हमने करौंदा तोड़ लिया है। हरी मिर्च ले लिए हैं, लहसुन की कलियां ले लिया है और करौंदे को अच्छी तरीके धुल लिए हैं। तो अब इसे हम दो पीस में काट लेते हैं इस तरीके। करौंदे के ऊपर जो डंडी लगी रहती है जिसे गांसी के नाम से जाना जाता है, उसे काट कर हटा देते हैं और इस तरीके हम काट कर तैयार कर लेंगे। मिर्च भी काट कर तैयार कर लेंगे और लहसुन की कलियां का छिलका भी उतार देंगे। तो करौंदे हमने काट कर तैयार कर लिया, लहसुन का छिलका भी उतार दिए, मिर्च भी काट लिए और इसे हम 6 से 7 घंटा के लिए धूप में रखेंगे। 6 से 7 घंटा हो गया है, ये देखिए करौंदा बढ़िया तरीके से सूख गया है। अब इसमें ज़रा सा भी पानी नहीं है और लहसुन भी हल्का सूख गया है, मिर्च भी बढ़िया से सूख गया है। मसालों में 2 बड़े चम्मच धनिया ले लिए, 1 बड़ा चम्मच काली सरसों, 1 बड़ा चम्मच जीरा, 1 बड़ा चम्मच सौंफ, 1/2 छोटा चम्मच अजवाइन, 1/4 चम्मच मेथी के दाने ले लिए। इन मसालों को रोस्ट कर लिए हैं। अब हम सिलबट्टे में इसे दरदरा पीस लेते हैं। सरसों का तेल भी गर्म कर लिए हैं। अब इसमें हम 1/4 चम्मच हींग डाल देते हैं और तेल को ठंडा होने देते हैं। 1 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर डाल देंगे। हींग और हल्दी पाउडर को मिला देते हैं। तेल काफ़ी ठंडा हो गया है और मसाले हम दरदरा पीस लेते हैं। हम मसाले सिलबट्टे में पीस रहे हैं, आप ओखली में भी कूट सकते हैं या मिक्सी जार में भी पीस सकते हैं। तो मसाले दरदरा पीसें। तो मसाले हमने दरदरा इस तरीके पीस कर तैयार कर लिया है। अब हम लहसुन की कलियां कूट लेते हैं। तो लहसुन की कलियां को हम दरदरा कूटेंगे, ज़्यादा महीन नहीं कूटना है ताकि अचार टेस्टी बने। तो सभी लहसुन की कलियां हमने दरदरा इस तरीके कूट लिया है। तेल अच्छी तरीके ठंडा हो गया है। अब हम करौंदे डाल देते हैं। तो चम्मच की सहायता से तेल में करौंदे अच्छी तरीके मिला देते हैं। तो अच्छी तरीके हमने मिला दिया है। अब हम स्वाद अनुसार नमक डालेंगे और अचार में नमक थोड़ा ज़्यादा ही डालेंगे। अब हम मसाले डाल देते हैं जिसे सिलबट्टे में पीसा था, और लहसुन की कलियां डाल देते हैं। हरी मिर्च डाल देते हैं। अब इन सभी को अच्छी तरीके मिला देते हैं। तो हमारी इस वीडियो को आप फेसबुक या इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो फॉलो कीजिए, कोई सुझाव हो कमेंट बॉक्स में बताइए, और यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि हर वीडियो अब तक आसानी से पहुंचे। तो अच्छी तरीके हमने मिला दिया है। अब हम प्लास्टिक के जार में अचार रख देते हैं और इस अचार को करीब हम 3 से 4 दिन तक धूप दिखाएंगे, फिर इसे हम खाएंगे। आप इसे बच्चों के टिफ़िन बॉक्स में भी दे सकते हैं, बहुत ही टेस्टी लगता है यह अचार। तो मिलते हैं कोई नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।